हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ गौरव काबरा और आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबके लिए लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीएफए इंस्टीट्यूट ने स्कॉलरशिप को लेकर के अब क्या नया काम किया है अगर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाएंगे ओपन टुडे आज ये बात पहले से कंफर्म की हुई थी कि सेवेंथ को ये एप्लीकेशन खुल जाएगा और अभी ये एप्लीकेशन खुल चुका है सो जस्ट इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की आप अपने एग्जाम के लिए जरूर से एनरोल यहां पर कर सकते हैं एग्जाम को लेकर के क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये कैसे आपको स्कॉलरशिप एप्लीकेशन भरना है ये मैं कम से कम समय में आपको समझाने की यहाँ पे चेष्टा करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल ऑल्सो यू अबाउट द एक्सेस स्कॉलरशिप जस्ट इन केस आप वुमेन नहीं हो आपको भी अपने स्कॉलरशिप की पड़ी होगी तो एक्सेस स्कॉलरशिप में भी क्या होने वाला आई विल टेल यू अबाउट दैट ठीक है तो अभी के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वुमेन स्कॉलरशिप का पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द बेसिक uh, वेबसाइट जहां पे आपको दो इन्फॉर्मेशन मिलेगी नंबर वन और नंबर टू नंबर वन में आपको कुछ भी नहीं देना बस थ्री बट जस्ट बिकॉज आप इंडिया से अगर पेमेंट कर रहे होंगे तो आप एटीन परसेंट का जीएसटी इंडियन गवर्नमेंट लेगी सो दैट विल बी ऑल्सो एडेड एंड दैट विल अमाउंट टू योर नेट कॉस्ट नंबर वन थिंग नंबर टू में आपको यही बात बोली हुई कि सात तारीख से आज के दिन ऑफ से एंड ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ सेप्टेंबर यानी यू आर गिवेन अप्रोक्सिमेटली फिफ्टीन डेज टू रिएक्ट ऑन दिस सो लगभग दो हफ्ते आपके पास में एक फोर्ट है

स स्कॉलरशिप इसकी ड्यू डेट वगैरह सब कुछ दी हुई है आपको बेसिकली लॉग इन करना है जो कि आपको ऊपर यहां पे छोटा सा दिखेगा

बेसिकली स्टेप पे क्लिक करना है मोर पे क्लिक करना है वेन यू क्लिक एट मोर देन यू विल बी प्रोमटेड टू द नेक्स्ट स्क्रीन विच दिस यहाँ पे आप बेसिकली अप्लाई कर रहे होंगे अपने ही स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए सो दिस विल बी दी एप्लीकेशन विंडो यहाँ आप अप्लाई कीजिए ड्यू डेट्स हैव अगेन मेन्शंड इट ओपन ऑन सेवेंथ ऑफ सेप्टेम्बर आज के दिन एंड इसके अलावा ट्वेंटी सेकेंड ऑफ सेप्टेंबर को ये ओवर होने जा रहा है क्लियर चलो ये ड्यू डेट है नाउ वंस यू हैव अप्लाइड इन आपने जैसे इसके लिए अप्लाई किया तो उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा करेक्ट और वो एप्लीकेशन नंबर के बाद आप यहाँ पे सी एफ ए प्रोग्राम वुमेन्स स्कॉलरशिप पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ से टास्क शुरू हो जाएगा सो बेसिकली फ्रॉम हेयर द टास्क बार विल एक्चुअली इंडिकेट कि आप कितना परसेंट अपना ये पूरा फॉर्म कंप्लीट कर चुके हो ठीक है इजी फॉर्म है कुछ खास मुश्किल नहीं है ओके हेयर यू विल बी सीन की आपका एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपसे एक डिक्लेरेशन मांगा जाएगा क्लिक ऑन दिस एंड देन क्लिक टू नेक्स्ट आप नेक्स्ट करो आगे बढ़ो एंड आगे बढ़ते ही यहां पर आती है आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नाउ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका नाम आपका लास्ट नेम और आपका ई मेल आई डी मोस्ट प्राइवली पहले से ही प्रीफिल होकर के आ चुका होगा बस यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करनी है करना वॉट इज दिस वॉट इज दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर वन आप कौन से लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आई बिलीव ज्यादातर स्टूडेंट्स लेवल वन के लिए करेंगे सो लेवल वन इज द प्रोग्राम राइट प्रोग्राम जिसके लिए आपको क्लिक करना चाहिए इसके अलावा नाउ दे आर आस्किंग यू अबाउट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस दे आर ऑल्सो आस्किंग यू अबाउट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहीं पे सारी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए मैंने हमेशा से कहा वुमेन स्कॉलरशिप हैज हैज बीन प्राइमरीली इनेबल्ड टू हेल्प दोज वुमेन वो आर ऑलरेडी इन टू दिस इंडस्ट्री जो इस इंडस्ट्री में पहले से है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में है बट दैट डज नॉट मीन कि मैं डिस्करेज कर रहा हूँ यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को जो अभी फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं और अभी भी वो uh, कोई जॉब नहीं कर रहे क्या आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी ऐसा एकदम भी नहीं है इन द पास्ट मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव अपलाइड फॉर वुमेन स्कॉलरशिप इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दट दे वर नॉट वर्किंग एंड दे स्टिल गॉट द स्कॉलरशिप इनफैक्ट सी एफ इंस्टीट्यूट की मैं तारीफ करना चाहता हूँ ये काफी अच्छे से स्कॉलरशिप देते भी हैं दे एक्चुअली कंसिडर फॉर वुमेन स्कॉलरशिप एज वेल सो ऐसे में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप बिना दो माइंड में आए अप्लाई कीजिए अगर आपको मिलना होगा यू विल गेट इट ओके सो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है अगर आप एम्प्लॉयड है तो फिर आप लिखेंगे एम्प्लॉयड फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम अगर आप स्टूडेंट है गो फॉर स्टूडेंट फुल टाइम और पार्ट टाइम क्लियर अनएम्प्लॉयड रिटायर्ड वगैरह भी लिख सकते हैं यहाँ पे अपने एंड इसके अलावा लास्ट में आपसे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है तो आपका यर्स

स्टेटमेंट uh, या फिर हमसे ये मांग सकते हैं एक छोटा सा ऐसे अबाउट अवर लाइफ अबाउट अवर गोल्स एंड मेनी अदर थिंग्स जो भी होगा उसके लिए रेडी रहिएगा दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल स्टेप वो करने के बाद में आप स्कॉलरशिप के लिए ऑफिशियली अप्लाई कर चुके होंगे मैं जबरदस्ती अप्लाई नहीं करना चाहता था तो ऑब्वियसली मैंने इसको आगे फोर्स ही नहीं किया बट यस ऑब्वियसली ये मेरे स्टूडेंट नहीं करके भेजा मुझे इतना सारा कुछ एंड इसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप दो तीन चीजों का ध्यान रखिएगा नंबर वन डेडलाइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर टू अगर आपने ऑलरेडी एनरोल कर रखा है देन दिस स्कॉलरशिप इज मीनिंगलेस फॉर यू आपके लिए कोई रेलिवेंस नहीं रखता एंड नंबर थ्री अगर आप वर्किंग है आपके चांसेस डेफिनेटली हायर है यू शुड कंसिडर टू अप्लाई फॉर वुमेन स्कॉलरशिप करेक्ट इसका स्कॉलरशिप का रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा नाइनटीन ऑफ अक्टूबर या फिर उससे पहले और जब भी मिलेगा तो स्कॉलरशिप के लेटर में आपको मैंशन किया हुआ रहेगा कि कौन से टर्म के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे फॉर श्योर sure, मुझे लगता है फेबर के एग्जाम जो होने वाला है ट्वेंटी में उसके लिए तो मुझे नहीं लगता चांस बनता है बट उसके बाद शायद आपके चांसेस बन जाए सो लेट्स ही क्या होता है फिलहाल के लिए तो वुमेन स्कॉलरशिप हैज ओपेंड और आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए अब आती है ऑब्वियसली जेनविन अगर आपके रिक्वायरमेंट है तो अप्लाई कीजिए नहीं तो मत कीजिए एंड अब आती है अपनी बात एक्सेस स्कॉलरशिप को लेके भैया एक्सेस स्कॉलरशिप के ऊपर में क्या है एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पे अपडेट किया है दैट दे विल ओपन द विंडो इन द फॉल ऑफ दिस ईयर या एट द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ दिस ईयर अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि ये बोल रहे हैं या तो सेप्टेंबर या फिर में अक्टूबर या फिर नवंबर में यह एप्लीकेशन खुल जाएगा इन तीन मंथ्स में जो लास्ट क्वार्टर है हमारा लास्ट क्वार्टर तो नहीं है ये लेकिन ये जो तीन महीने हैं इन तीन

सारे जितने भी अपने youtube के सब्सक्राइबर्स हैं एज वेल well as जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको अप्लाई करना है इसके लिए वो मेरे ख्याल से अप्लाई कर रहे होंगे बट as of now देयर इज नो पर्टिकुलर डेट फॉर एक्सेस स्कॉलरशिप इट विल ओपन इन द मंथ्स ऑफ सितंबर अक्टूबर और नवंबर देखते हैं कब ये होता है तो अभी के लिए बस इतना ही रखता हूं मैं आई होप ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो गई लड़कियों को वुमन को उनको पता चल गया कि उनके लिए तो स्कॉलरशिप खुल चुकी है और बाद बाकी एक्सेस स्कॉलरशिप भी जल्द खुल जाएगी सो वी आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू दैट एंड जस्ट लेट्स जस्ट वेट फॉर द सी एफ एंस टू एंड बेसिकली स्टार्ट दिस प्रोसेस चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड एंजॉय योर सेल्स एंड प्लीज 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 चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें एंड प्लीज ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन क्योंकि यहां पे बहुत सारे पढ़ाई रिलेटेड वीडियो तो मैं डालता ही रहता हूं बैट द सेम टाइम आई कीप यू पोस्टेड विथ एनी चेंज दैट हैपन ऑन द सी एफ इंस्टीट्यूट वेबसाइट चलो तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंजॉय सेल्स